हेलो दोस्तों, पीएस की रसोई में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त पूनम आज डोसे बनाने जा रही हूँ, तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए कि जो मेरा अगले नोटिफिकेशन जो मैं वीडियो डाली वो आपके पास जल्दी से पहुँचे। देखिए, मैं डोसे के लिए चावल लिए हैं और उड़द की दाल ली हूँ। मैं नाप रही हूँ, देखो एक गिलास चावल हुआ, अभी दो गिलास मैं गिलास से नाप रही हूँ, आप किसी से भी नाप सकते हैं। देखिए, ये मेरा तीसरा गिलास हुआ, तो मैंने तीन गिलास चावल लिए हैं। अभी इसमें उड़द की दाल देखिए मैं कितने लूँगी, मैं आधा गिलास उड़द की दाल ले रही हूँ। देखिए, तीन गिलास में आधा गिलास मैं उड़द की दाल ली है, मैंने ली है उड़द की दाल आधा गिलास, तो आप भी ले सकते हैं ऐसे नाप के। इससे डोसे बनाने में बहुत आसानी होगी आपको। ये मैंने मेरा छिक्कल निकला हुआ उड़द है, आपके पास हरा भी हो तो उसे डाल के छिक्कल निकाल सकते हैं। देखिए, मैंने मेथी दाने लिए हैं, ये भी डाल देते हैं, मैंने इसे भी डाल दिया। अभी इसे अच्छे से धुल लेते हैं, मिला के अच्छे से धुलेंगे, फिर फूलने को रख देंगे। अभी मिला लिया अच्छे से, अभी धो रहे हैं, अभी इसे अच्छे से धो लेते हैं। देखिए किस प्रकार मैं धो रही हूँ, अच्छे से धो लेते हैं। एक बार धो लिया, अब दोबारा से धो रहे हैं। देखिए दोबारा में भी कितना गंदा पानी है। ऐसे ही मैं अब फूलने के लिए रख देंगे, अभी जब पीसेंगे तब भी धोएंगे। देखिए, मैं पीसने चली, इसे 4-5 घंटे के लिए मैंने फूलने को रख दिया था, तो ये फूल गया अच्छे से। अभी मैं पीसने को जा रही हूँ, मैंने मिक्सर जार लिया है, आप पत्थर से भी पीस सकते महीन, और नहीं तो चक्की में पीसता है वो अच्छा रहा। देखिए मैंने पीस के कितना अच्छा कर लिया है इसे, ऐसा ही बारीक पीसना है आपको भी, किसी से भी पीसे ऐसा बारीक पीस के करना है। अब इसे 4-5 घंटे के लिए, पूरी नाइट के लिए रख दें। मैंने अभी 8 बजे हैं नाइट के, तो मैंने इसे रख दिया है। अब मैं सुबह इसकी डोसा डालूँगी, ये अच्छे से फूल जाएगा तभी इसका डोसा अच्छा बनेगा। देखिए अभी मैंने रख देते हैं इसे ढक के, रेडी हो गया है। अभी डोसे सुबह हो गई है, तो हम डोसे बनाने जा रहे हैं अभी। तो मैं इसमें थोड़ा नमक मिलाऊंगी स्वाद अनुसार, इसमें ज़्यादा नमक मिलाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ही डालें। देखिए मैं थोड़ा ऐसा ही नमक लूँगी, मैंने 1 चम्मच ही नमक लिया है, वो आधा आधा चम्मच करके मैंने डाला है, 1 ही चम्मच नमक है। तो इसे अभी मैंने नमक डाल लिया है, अब मैं सोडा डालूँगी थोड़ा। मुझे सोडा मुझे बिल्कुल थोड़ा लेना है, 2 चुटकी के बराबर। देखिए मैं 2 चुटकी के बराबर सोडा ले रही हूँ, मेरे को 2 चुटकी के बराबर है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, हाँ तो आप अपने हिसाब से 2 चुटकी ले लें छोटा। थोड़ा ही सा सोडा डालना है और ऐसे पानी में घोल के मिलाना है, तो आप अच्छे से काम करेगा। देखिए मैंने सोडा मिला लिया है, ऐसे ही आपको मिलाना है, घोल के ही मिला के डालें उसमें, इससे अच्छा रहता है, मिल भी जाता है और जल्दी से काम भी करता है वो अपना। तो ये मेरा रेडी है, अगर आपको थोड़ा गाढ़ा लगे इसमें थोड़ा अगर लगे तो करना, नहीं तो मत करना। देखिए मेरा कैसा है, मैं इसमें 1 चमचा पानी ऐड करूँगी ओनली, बस ये मेरा सही है, ज़्यादा नहीं करना है। देखिए कैसा है, आपको दिख रहा होगा ना, तो देखो 1 ही चमचा मैंने पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं किया है। अच्छे से मिक्स करके मैं डोसा बनाऊँगी।
देखिए डोसा बना रहे हैं। तो मैंने रोटी बनाने वाला तवा लिया है जिसमें मैं रोटी बनाती हूँ। तो मैं देखो प्याज से लगा रही हूँ तेल, उसमें कहते हैं प्याज से डोसा चिपकता नहीं है, तो मैंने इसलिए प्याज ली है। देखते हैं चिपकता कि नहीं चिपकता। तो मैं अच्छे से इसमें तेल लगा लेती हूँ। देखिए अच्छे से लगाना कि पहला डोसा है चिपके ना। तो मैंने अच्छे से देखिए लगा लिया है, अच्छे से तेल लगा लिया है। अभी गैस कर दूंगी लो, मेरा तवा भी थोड़ा लो हो जाए इसलिए थोड़ा ठंडा हो जाए तेल नॉर्मल में तवा। देखिए अभी थोड़ा ठंडा हो गया तो मैं अभी डोसा बनाने जा रही हूँ। देखिए मैंने एक चमचा इसे लिया है, तो ऐसे देखिए कैसे मैं डाल के फैला रही हूँ। इसे एक ही साइड से फैलाना है, इसे लौटा के नहीं फैला, नहीं तो बनेगा नहीं डोसा। देखो मैंने एक ही साइड को घुमाया तब मेरा डोसा बन के रेडी हो गया है। देखिए हाल ही डालने से कैसा दिख रहा है, और बिल्कुल पतला है। इसे ढक देंगे तो और अच्छे सिक जाएगा धीमी आंच में। देखिए ये अब सिक गया होगा तो हम इसे देखते हैं। देखिए सिक के कितना अच्छा हो गया है। देखिए निकाल के भी देखेंगे, इसमें भी तेल लगा लिया हमने। देखो अभी अच्छे से होने लगा, कितना पतला है वो आपको देखने से मालूम पड़ रहा होगा। देखिए बहुत पतला है, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है ये। देखिए कितना अच्छा है। तो इसमें थोड़ा ऊपर भी तेल लगा देंगे, हल्का सा, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही सा लगाना है। लगा दिया, अब दूसरे साइड से भी सेंक लेंगे। अगर ना सेंकना हो तो मत सेंकिए, मैं सेंक लेती हूँ। और मेरा डोसा बन के रेडी हो गया है। देखिए कितना अच्छा है। सीख गया है, देखिए दोनों साइड से इमेज चमचे में बिद के टूट गया है। नहीं बहुत अच्छा बना है और मैं खुश भी हूँ कि मेरा पहला डोसा आज का बहुत प्यारा बना है, बहुत अच्छा। तो ये चिपका भी नहीं है और बहुत पतला बना है, तो आप भी ऐसा बनाएं तो नहीं चिपकेगा। वो मैंने फिर से धीमी कर दी है गैस को और फिर से लगा रहे हैं। मेरे साथ मेरी अत्ता हैं तो वो कह रही हैं जल्दी से बनाओ। देखिए मैं बना रही हूँ, इधर मैंने दोबारा चला दिया तो कैसा हो गया है, इसलिए दोबारा नहीं चलाना है दूसरी साइड को, एक ही साइड को राउंड करना है। इसे भी मैंने कवर कर दिया है। अभी ये देखना सिक्के कैसा हो जाए। मैंने एक चटनी भी बनाई थी तो पर मैं इस वीडियो में डाल नहीं पाई, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। वो भी चटनी का वीडियो मैंने दूसरे वीडियो में डाला है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो रहा था तो इसलिए मुझे बेवश डालना पड़ा चटनी का वीडियो दूसरे में, दूसरा वीडियो बनाना पड़ा चटनी का, तो आप उसे देख सकते हैं। तो देखिए ये भी डोसा मेरा बन के रेडी हो गया है। इसी प्रकार आप डोसा आसानी से बना सकते हैं। देखिए मैंने ये वीडियो को फास्ट नहीं किया है कि अगर मैं फास्ट करके बनाती तो आपको शायद वीडियो में समझ में नहीं आता, तो आप बनाने में आपको दिक्कत होती, तो इसलिए मैंने जैसा मैंने बनाया है शूट किया वीडियो वैसे ही आपको दिखा रहे हैं, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो मेरे दो डोसे हमने बना लिए हैं, तो आपको चटनी के साथ देखिए ये मेरे डोसे चटनी के साथ रेडी है। ये मैंने चटनी बनाई थी तो आपको दिखा नहीं सकी, ये बहुत स्पेशल चटनी है, तो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं।
तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आपके पास वीडियो मेरा पहुंचे, जब तक